अमर सिंह ने सलाउद खान को मारा, अमर सिंह को किसने मार दिया, अर्जुन सिंह गौड़। अर्जुन सिंह गौड़ अमर सिंह को मारने के बाद लाश लेके गया आगरा, उसके बाद शाहजहां के पास। तो शाहजहां को बड़ा गुस्सा आ रखा था, शाहजहां ने कहते आगरा के किले की दीवार पर वो लाश रखवा दी और का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे, चील कौवे खाएंगे, खाओ पशु पक्षियों पक्षियों को खाने दो इस लाश को। अब इधर राजा की दो रानियां, वो दोनों रानियां सती होना चाहती है, पर सती तो लाश के साथ, वो लाश तो आपके पास है ही नहीं। तो रानियों ने कहा भाई मंत्रियों को और भाई सांझा से, कहो भाई लाश तो दे ताकि सती तो, सांझा ने मना कर दिया भाई ये लाश तो नहीं मिलेगी। सब ने आगे कहा कि भाई वो सांझा लाश तो नहीं दे रहा, तो उनका फिर हम सती कैसे हो, लेके आओ को लड़ाई करके लेके आओ। तो सांझा से तो कैसे लड़ाई करे, कैसे लेके आए। तो उन रानी में से एक रानी थी, उसने कहा बल्लू चंपावत को मैसेज भेजो, शक्तिशाली आदमी बल्लू था, भले ही अपने से नाराज होगा पर वो अपना काम कर देगा। तो बल्लू चंपावत के पास मैसेज किया कि भाई रानी ने यह समाचार भिजवाया कि लाश लाने वाला और कोई आदमी है नहीं, तुम भले ही अब दुश्मन हो रखे हो हमारे, लेकिन कभी तो हमारे साथ ही थे तुम और तुम्हें यह तो करना ही चाहिए। बल्लू चंपावत को जब पता चला भाई अमर सिंह जी को ऐसे ऐसे मार दिया और ये दिक्कत है, तो बल्लू चंपावत सबसे पहले तो अपने बाल कटवाता है, राजा की डेथ हुई है, कोई बात नहीं राजा से अपने लड़ाई थी पर मालिक तो था अपना, धनी तो वही था अपना, और लाएंगे अब तो लाश ही लाएंगे वापस। 35-40 लोगों की एक टुकड़ी बनाते हैं, 15-20 लोगों को कहते हैं तुम बाहर रहो, 15-20 लोग अंदर घुसते हैं और सांझा को जाके कहते हैं कि भाई हमारा मालिक था, हम अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, फिर तेरे चील कौवे खा जाएंगे, फिर तो हम क्या करेंगे। तो उसने कहा ठीक है करो, तो घोड़ा लेके गए, घोड़ा तो पास में बांधा, उसके पास में गया, पास दो चार सिक्योरिटी गार्ड लगाए, तो सांझा ने कहा भाई दिखा दो इसको लाश दिखा दो। उन दो चार सिक्योरिटी गार्ड को बल्लू चंपावत मारता है, उस घोड़े को उस लाश को अपने कंधे पे लेके घोड़े पे बैठता है और आगरा के लेके उसी दीवार से ऊपर से कूदता है। नीचे वो 15-20 लोग और तैयार खड़े थे, उन 15-20 लोगों को लाश देता है कि तुम लाश लेके चलो, रानी सती हो जानी चाहिए, मैं बाकियों को देखता हूं। वो 15-20 लोग वहां पे लड़ाई करते हैं, सांझा के सैनिक ज्यादा थे मर नहीं थे, वो उन सबको मार देते हैं, पर वो लाश वो पहुंचा देता है क्योंकि अमर सिंह की लाश को लेके आया था, तो कौन लेके आया था, तो बल्लू का दो आया कि बल्लू जब उन बाकी साथियों को अपने देता है लाश देता है, तो उनको कहता है कि रानी को जाके कहना कि रानी ऊपर जब आप सती होगी तो ऊपर अमर सिंह के पास जाके मिलेगी, स्वर्ग में मिलेगी अमर सिंह से, तो अमर सिंह को जाके समाचार दे कि बल्लू ने आज गढ़ जीता है। अमर सिंह यही तो कह रहा था कौन सा गढ़ जीत लोगे, तो अमर सिंह को भेजना समाचार कि बल्लू ने आज गढ़ जीत लिया, आगरा का किला तोड़ा है मैंने और आगरा किले के अंदर से तेरी लाश को निकाल के लेके गया हूं मैं। कहानी एक तरीके से यही समाप्त होती है कि बल्लू मर जाता है। मैंने एक युद्ध पढ़ाया था आपको, देबारी का युद्ध 1680 में, तो कहते हैं राज सिंह जी जब उस देबारी के युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे थे, तब राज सिंह जी ने यूं एक दिन दरबार में बैठे बैठे कहा कि आज बल्लू चंपावत होता तो काम आता। अपने कहानियां ये कहती है कि बल्लू चंपावत मर गया था उस घटना से बहुत पहले, उसके बावजूद उस देबारी वाले युद्ध में लड़ा था वो, कि वो वापस उतरा था, स्वर्ग से आया था, उस युद्ध में वापस लड़ा था, खूब सारे लोगों ने उसको लड़ते हुए देखा था कि भाई बल्लू वापस क्यों आ गया, कि बल्लू ने कहा था कि राज सिंह जी को जिस दिन जरूरत होगी उस दिन बुला लेंगे, वापस आ जाऊंगा मैं। तो खूब सारी ऐसी कहानियां है कि बल्लू चंपावत मरने के बाद वापस आ गया था और कौन सा युद्ध लड़के चला गया था, कि देबारी का युद्ध लड़के चला गया था। बल्लू की खूब सारी कहानियां है, दो तो ये कि भाई बल्लू दूसरी बार कितनी सच्ची कितनी झूठी पर कहा ऐसे जाता है, खूब दोहे हैं इस पे कि जल में हो केवल एक बार पैदा केवल परिणो एकज नार, शादी भी उसने एक बार, जल में हो केवल एक बार परिणो एकज नार, लड़ियो भिड़ियो कोल पर एक भड़ दो दो बार, एक योद्धा दो दो बार, एक मरने से पहले और एक मरने के बाद दो बार लड़ गया था केवल इस बात पे कि मेरे राज सिंह को वचन दिए हुए कि जब भी आपको जरूरत पड़े तब मुझे बुलाना। कहते बल्लू मर गया, बल्लू जब डकैतियां किया करता था इधर उधर, जब ये उसके डाके वगैरह चल रहे थे तब बल्लू को अपनी बेटी की शादी करनी थी, पर उसका उसूल था कि मैं जो लूटमार करके डाके करके जो भी पैसे लेके आएंगे वो घर में नहीं लाऊंगा उन पैसों, ये तो चैलेंज है अमर सिंह को कि भाई ला हम तेरा राज्य यहां से लूट के लेके जाएंगे, तेरे को बचा सकता तो बचा ले, और लूटेंगे भी केवल अमीर आदमियों को, गरीबों को हाथ नहीं डालेंगे, और ये जितना पैसे लाऊंगा मैं गरीबों में बांट दूंगा, रॉबिन हुड टाइप का बना हुआ था उन दिनों में। अब उसको बेटी की शादी करनी, बेटी की शादी करनी तो पैसे नहीं पास में, तो पैसे कहां से आएंगे बेटी की शादी के लिए, तो कुचामन नागौर में जरूरत थी, कुचामन के कोई एक सेठ थे, उन सेठ के पास एक दिन बल्लू रात के टाइम जाता है, आवाज लगाता है सेठ को, सेठ सेठ बाहर आ, सेठ कौन आ रहे भाई सो गया मैं तो हम बल्लू चंपाओ तू, तो सेठ तो बेचारा दूजे कि बल्लू आ गया तो लूट के लेके जाएगा, तो उसने कहा सुबह आ जाना आप रात को नहीं, तो बल्लू ने वापस कहा अरे नहीं आया मैं डाका मारने के लिए, तुम बाहर आओ मेरे काम है, तो बाहर आया तो उसने कहा मेरे को कर्जा चाहिए, उधार रुपए चाहिए, तो उधार रुपए आपको क्या जरूरत है, बेटी की शादी करनी है और मेरे पास रुपए है नहीं, और वो जो रुपए आते हैं वो तो मैं घर में नहीं लगाऊंगा। अब की बार सेठ कॉन्फिडेंस में, सेठ को पता चला कुछ करेगा तो है नहीं मेरा, तो सेठ ने कहा साहब उधार रुपए तब मिलते हैं जब कुछ गिरवी रखा जाए, मॉर्गेज,
कुछ रखो गिरवी, समझ गए, गांव के अंदर पैसे लाते हैं, सोना रख के आते हैं, जमीन के कागज रख के आते हैं, गाड़ी के कागज रख आते हैं, बैंक से लोन लेते हो तो बैंक कागज रखती है आपके, तो कहा आप वो रख। तो उसने कहा देने के लिए कुछ होता मेरे पास तो फिर तेरे से क्यों मांगता, रखने के लिए कुछ ही नहीं है। तो उसने कहा फिर बल्लू जी आज मिले कल मिले, तो बल्लू के और कुछ समझ में आया नहीं, उसने अपनी मूछ का बाल उखाड़ा एक, उसने कहा मूछ का बाल गिरवी है, वीर पुरुष की मूछ का बाल है, यदि जिंदा रहा तो मैं वापस आऊंगा तेरे पैसे दूंगा, पैसे दूं उस दिन मूछ का बाल वापस दे देना, मर गया तो मेरे बेटे पोतों पड़ पोतों से लेना। अब बल्लू मर गया, तब तक वो हुआ ही नहीं। सेठ ने, अब सेठ को लगा अरे बेटे पोतों से क्या पैसे मांगू मैं, जाके बेटों से मांगूंगी देखो मूछ का बाल रखा हुआ पैसे दो, तो कहो कहीं ठोक पीट के भगा देंगे। तो सेठ ने क्या किया, चांदी की डिब्बी ली, चांदी की डिब्बी में मूछ का बाल रखा, एक दीवार के अंदर चुनवा दिया और अपनी बही में लिख दिया कि फलानी दीवार में बल्लू चांपावत के मूछ का बाल रखा गया है, और यदि बल्लू चांपावत के बेटे पोते पड़पोते रुपए दे दे तो उनको मूछ का बाल वापस दे दिया जाए। सेठ इसके बाद शिफ्ट हो गया बॉम्बे, देश हो गया आजाद, ये बातें हैं 1600 की, देश उसके बाद आजाद हो गया, मतलब 300-350 साल बाद में। सेठ का कोई एक पोता पड़पोता सड़पोता जो छठी सातवीं पीढ़ी के अंदर था उसके, वो पोता आया एक बार कुचामन सेठ की हवेली के अंदर, उसे लगा अपनी पुरानी हवेली देख के तो है क्या है, तो उसने पुराने कागज पड़े थे वो संभाले कि यार देखते हैं पुराने टाइम में कौन लोग थे कैसे लोग थे पता तो चले, और उसने जब संभाला तो एक बही में लिखा हुआ था कि इस मकान की इस दीवार में एक चांदी की डिब्बी में बल्लू चांपावत के मूछ का बाल है, और यदि बल्लू चांपावत इतने रुपए चुका दे ब्याज समेत तो उसको मूछ का बाल उसके परिवार वालों को दे दिया जाए। सेठ के बेटे को लगाया यार ये तो पैसे खूब हो रहे हैं, कि मैं मान लो उस टाइम वो एक दो रुपए भी लेके आया था तो अब तो जाके हजारों में हो रहे हैं, सात पीढ़ियों का ब्याज है। तो वो सेठ का जो भी उसका पोता पड़पोता था वो चला गया उनके घर पे, और उसने कहा था ये बही ये बोल रही है। तो कहते वो जो भी वंशज रहते थे उनके, उनका भाई साहब जोड़ो, हमारी बोले जमीन बिके पूरी पर ये रुपए लेके जाओ, ये मूछ का बाल दो। हिंदू धर्म ये कहता है कि व्यक्ति के मरने के बाद उसके शरीर के एक एक अंग का अंतिम संस्कार होना चाहिए, मूछ के बाल का अंतिम संस्कार हुआ ही नहीं, वो तो अभी तक बल्लू का वैसे ही पड़ा है। सेठ के बेटे ने और दरिया दिली दिखाई, उसने कहा पैसे नहीं चाहिए, मैं तो चेक करने ही आया था कि तुम में अभी लखन है कि नहीं है, चुका सकते हो कि नहीं चुका सकते हो। उसने नीचे लिख दिया कि पैसे चुकाए गए और उसने मूछ का बाल दे दिया। इसलिए बल्लू चांपावत के मूछ के बाल का फिर दोबारा अंतिम संस्कार हुआ, तो बल्लू चांपावत वो आदमी जिसका कितनी बार अंतिम संस्कार हुआ,